हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई थी कब, 700 वर्ष पहले ही हो चुकी थी इस वंश की उत्पत्ति, ठीक है। और राठौड़ वंश ने सबसे पहले जो शासन किया था वो राजस्थान के मारवाड़ पे किया था, ठीक है। तो राठौड़ जो वंशज थे उसके संस्थापक कौन थे, राजा राव सिंह। राजा राव सिंह ने क्या किया था, मारवाड़ के राठौड़ वंशज की संस्थापक थे ये, और मुसलमानों के विरुद्ध थे ये, क्योंकि इन्होंने जो मारवाड़ था उस पर शासन करा था और रक्षा की थी उसकी, ठीक है। और क्या हुआ था कि युद्ध में ये 1273 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में जो अगले राजा है वो थे राजा राव चूड़ा। राव चूड़ा जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान राजाओं में से एक थे। इन्होंने क्या किया था, मारवाड़ के मंडोर पर अधिकार किया, ठीक है। और 1396 में ईस्वी में जफर खान को पराजित कर दिया था इन्होंने युद्ध में, ठीक है। इसके बाद में जो अगले राजा है, किसके बाद में, राव चूड़ा के बाद में राव रणमल जे आए। राव रणमल ने क्या किया था कि कई युद्ध हुए थे पर उनमें क्या ये पराजित हो गए और कई बार प्रजा का साथ ना मिलने की वजह से ये असंतुष्ट हो गए। और असंतुष्ट होकर ये क्या हुआ इनके साथ कि राजा राणा लाखा के पास गए ये, ठीक है, अपनी परेशानी लेके। तो फिर क्या किया था उन्होंने, जो राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह किससे करवा दिया, राणा लाखा से करवा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ था, राणा लाखा से करवाने के बाद इन्होंने क्या किया था, राजा राव रणमल ने कहाँ पे, मारवाड़ पे शासन किया था। मारवाड़ पे शासन करने के बाद में ये थोड़े शक्तिशाली हो गए। शक्तिशाली होने के बाद में क्या हुआ था कि सरदारों के द्वारा, मतलब राठौड़ वंशज के जो सरदार थे उनके द्वारा 1438 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और 1427 में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से मतलब बहुत कम समय इन्होंने मतलब शासन किया था। तो मतलब ये क्या पराजित हो गए थे क्योंकि सरदार जो थे उन्होंने इनको हरा दिया था। इसके बाद में जो अगले राजा है वो थे राजा राव जोधा। राव जोधा जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी और प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, मारवाड़ पे शासन किया और शक्ति संगठन बनाया था। और 1459 में इन्होंने क्या किया था, जोधपुर को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। जोधपुर को राजधानी बनाने के बाद ये क्या है, मारवाड़ पे इन्होंने शासन भी किया वहीं से। फिर क्या हुआ कि अगले जो राजा है वो थे राव गंगा। राव गंगा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1515 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये भी बहुत बुद्धिमान राजाओं में से एक थे क्योंकि ये कई युद्धों में भाग ले चुके थे, मतलब कई राजाओं का इन्होंने साथ दिया था क्योंकि ये रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा कुशल राजाओं में से एक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, वंश के प्रतापी शासक थे ये, ठीक है, एक तो। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था तो उसमें क्या किया था, राणा सांगा की सहायता की थी, मतलब मदद की थी इन्होंने इस युद्ध में। और मारवाड़ पर शासन करने के बाद में 1531 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में बीकानेर के राठौड़, मतलब बीकानेर पर भी राठौड़ों ने, राठौड़ वंशज ने शासन किया था। तो बीकानेर जो था उसमें सबसे पहले जो वंशज थे, मतलब स्थापना जो की थी वो किसने की थी, राव बीका ने की थी, ठीक है। राव बीका जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, इन्होंने क्या किया था, 1456 में बीकानेर नगर की नींव रखी, ठीक है। नींव रखने के बाद में जो वहाँ के शासक बन गए बीकानेर के, रख दी। उसके बाद में क्या हुआ था कि राव बीका के बाद में 1504 में वहाँ के एक दानवीर राजाओं में से एक राजा थे, उनका नाम था राजा लूणकरण सिंह। राजा राव लूणकरण सिंह थे, ठीक है, वो दानवीर राजाओं में से एक थे। तो उनका नाम जो प्रसिद्ध हुआ वो क्या हुआ था, उस समय उन्हें कहा जाता था कलयुग का करण कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दानवीर थे, प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखने वाले राजाओं में से एक थे, सबकी मदद करते थे,
ठीक है। राठौर वंश के बाद में दूसरा जो वंश है वो है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का जो उदय हुआ है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। और प्रतिहारों वंश की जो मतलब इसकी तुलना किससे की जाती थी, मौर्य मुगल वे गुप्त शासक जो थे उनसे की जाती थी प्रतिहारों की तुलना। इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण प्रदेश में गुजर वंश के नाम से जाने गए थे, मतलब ये गुजर वंश के नाम से जाने गए थे जिन्हें गुजर राजपूत भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी क्या थी, नैरसी में 26 शाखाएं हैं जिसमें से 2 शाखाएं मुख्य हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। पहली जो शाखा है वो है मंडोर शाखा, किसकी, प्रतिहार वंश की। तो इसके जो शासक रहे हैं वो है नागभट्ट जो इनके शासक रहे हैं। और इन्होंने क्या किया था, इसमें मंडोर की राजधानी को परिवर्तन करके मेड़ता बनाया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, दूसरी जो शाखा है वो है भीलमाल शाखा। भीलमाल शाखा के जो शासक थे वो है नागभट्ट द्वितीय थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रतिहारों ने मिलकर पाल राजकूट संघर्ष में प्रतिहारों का प्रतिनिधित्व किया था। क्योंकि क्या हुआ था, अरब जो थे ना, अरब के आक्रमण, मतलब अरब के जो देश थे उन्होंने क्या किया था, राजस्थान मतलब भारत पे आक्रमण किया था। तो बाद में जब प्रतिहारों ने ही पूरा युद्ध वगैरह लड़ा था तो बाद में प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरे वंशज आए वो थे परमार वंश जो थे, जिन्होंने क्या किया था 997 ईस्वी में परमारों ने आहड़ चित्तौड़ और आबू बाड़मेर बांसवाड़ा पर अधिकार किया था इन्होंने, इस वंश ने, परमार वंश ने, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि विद्वानों के रक्षक के रूप में ये क्या, परमार वंशज माने जाते थे, ठीक है। और क्या किया था, परमारों का मूल जो स्थान था वो क्या कहलाता था, मतलब मालवा था, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, परमार बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासकों में से एक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, परमारों वंशज ने त्रिभुनारायण भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में इन्होंने निर्माण करवाया था। और जो इनके वंशज रहते वो भव्य भील रहे थे, इन्होंने भव्य भील के बाद में प्रतापी वंशज थे। उसके बाद में क्या हुआ था कि 13वीं शताब्दी में जो राजा आए थे वो थे राव लूभा ने क्या कर दिया, परमारों की जो राजधानी थी ना चंद्रवती राजधानी पे क्या कर दिया था, मतलब आक्रमण कर लिया था, छीन ली थी उनसे ये। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि जो परमार वंशज थे ना उनका जो अस्तित्व है ना वो खत्म होता गया, मतलब था ही नहीं, धीरे धीरे खत्म हो गया। अब परमार वंशज का अस्तित्व नहीं है, बहुत कम पाया जाता है, परमार वंशज नहीं रहे उसके बाद में, जब 13वीं शताब्दी में राव लूभा ने राजधानी छीन ली थी चंद्रवती, ठीक है। इसके बाद में अगला जो वंश है वो चौथा वंश है चौहान वंश, जिन्हें शकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। और चौहान वंश के जो संस्थापक है, मतलब शकंभरी के, वो है वासुदेव चौहान। राजा अजयराज ने क्या करवाया था, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। मतलब चौहान वंश का जो शासन रहा था वो अजमेर पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय व राय पित्रो के द्वारा, मतलब ये भी चौहान वंशज ही थे, तो चौहान वंशज ने 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद में क्या हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज पराजित हुए थे द्वितीय तराइन युद्ध में, ठीक है। क्यों हुए थे, क्योंकि उन्हें किसी से मतलब प्रेम था, तो प्रेम संबंधों में सहयोगिता, मतलब कन्नौज की राजकुमारी सहयोगिता थी, उससे प्रेम संबंधों के कारण ये जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगले जो चौहान थे वो थे रणथंभौर के चौहान,
ठीक है। तो इसके जो संस्थापक थे मतलब रणथंभौर के, किसने की थी? गोविंद राज, पृथ्वीराज के, पृथ्वीराज का पुत्र था ये। किसका? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंद राज, उन्होंने की थी रणथंभौर के चौहानों की स्थापना। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था कि राजा हमीर देव जो थे उन्होंने 1282 में से 1301 ईस्वी में तो मृत्यु हो गई थी, 1282 में रणथंभौर के शासक 1301 में शासक थे ये, मतलब कौन? राजा हमीर देव। तो 1301 में क्या होता, युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी ने क्या किया था हमीर देव को पराजित कर दिया था। फिर क्या हुआ 1291 में क्या हुआ था, जलाउद्दीन ने रणथंभौर पे फिर से आक्रमण किया था। तो इसके बाद में क्या हुआ था कि वो आक्रमण कर लिया था, फिर उसके बाद में क्या होता, राजा हमीर देव ने क्या किया था, ऐसी आक्रमण के लिए तैयारी कर ली थी कि सारे मुगल जो थे 1292 में, मतलब कि उसके बाद में 1291-92 की बात है, कि सारे मुगल क्या हो गए थे, जो ये रणथंभौर का जो दुर्ग था ना उसको छोड़ के भाग गए थे सारे मुगल, क्योंकि हामिर देव ने ऐसी तैयारी की थी कि मुगल बोले कि ऐसे 100 किले भी हमें नहीं चाहिए, वो भी हमारे बाल के बराबर है, मतलब एक कहावत कही थी इसमें। ठीक है, जलाउद्दीन ये जो था ये भी भाग गया था और अलाउद्दीन खिलजी भी भाग गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगले चौहान आए मतलब चौहान वंशज के, जालौर के चौहान थे, जालौर के चौहानों की जो स्थापना की थी, संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल कीतू, जिसको कहा जाता था राजा कीर्तिपाल थे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या हुआ था, मतलब जो जालौर में शासन हुआ था वो किसके द्वारा होता, राजा कानरदे ने शासन किया था उधर। ठीक है, और चौहान वंश के शासक को क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था, किसको? राजा कानरदे को। इसके बाद में क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि मुगल साम्राज्य का मतलब राजा था, मतलब मुगल था, तो इसने क्या किया था, जालौर का नाम बदल के क्या रख दिया था, अलबाद रख दिया था, मतलब नया नाम रख दिया था। ठीक है, तो इसके बाद ये मतलब लगभग यही हो गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पूरे चौहान वंशज मतलब हमारे राजस्थान में हो गया था, अजमेर वगैरह पे, तो चौहान वंश के बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गए थे। ठीक है, इसके बाद अगला जो वंश है, पांचवा वंश है, वो है कछुआ वंश। कछुआ वंश के संस्थापक है दूलाराव तेजकरण के द्वारा कछुआ वंश की स्थापना हुई है, और कछुआ वंशज ने राजपूत के इस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया है। ठीक है, और जो कछुआ वंश की कुल देवी है वो शीला देवी है, जो कि राजस्थान जयपुर में स्थित है, इनका मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद में जो राजा थे, राजा भगवान दास ने क्या किया था, जो कि कछुआ वंश से थे, चौहानों के राजपूत मतलब राजपूत थे ये एक, तो इन्होंने किया था, ये हिंदू होकर भी इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे करवाया था, सलीम जहांगीर से करवाया था। ठीक है, मतलब ये प्रथा हटा दी गई थी बाद में, अकबर के समय पे हटा दी गई थी ये। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था, जो अगले राजा थे, राजा सवाई जय सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1700 से लेके 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्हें क्या होगी थी, ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर की रियासत पे मतलब राज किया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। ये हिंदू राजा थे, और इन्होंने क्या किया था, सवाई जय सिंह, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था, मतलब अश्वमेघ एक शांति और के लिए एक यज्ञ होता है, तो अश्वमेघ यज्ञ जो कि वेदों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यज्ञ में से एक है, अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है जिसे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि अगले जो राजपूत वंशज आए वो थे गहलोत या सिसोदिया वंशज भी कहा जाता था, जो कि छठे वंशज थे। ठीक है, तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे राजा गुहिल, राजा शीलादित्य का पुत्र थे ये, मतलब राजा गुहिल थे जो किसके पुत्र थे, शीलादित्य के। और क्या हुआ था, राजस्थान पर सबसे ज़्यादा शासन किया था किसने, गहलोत सिसोदिया वंशज ने। ठीक है, तो क्या हुआ था कि पप्पा राव काल भोज के द्वारा क्या हुआ था, ये राजा थे उसके बाद में,
तो इनके द्वारा क्या होता है, एक लिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता, एक लिंग मतलब शिवलिंग होता है, गुहिल वंश ने मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, बप्पा रावल कालभोज ने, राजा ने। तो इसके बाद क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था, तो युद्ध में मतलब ये बप्पा रावल कालभोज के बाद में राजा रत्न सिंह बैठे थे, ठीक है, चित्तौड़ पर, मतलब राजस्थान में ही किया था, राजस्थान में पूरी जगह पे राज्य था अच्छा खासा, कौन से वंशज का, गहलोत वंशज का, ठीक है। तो राजा रतन सिंह जो कि गुहिल वंशज पर 1303 में किसने आक्रमण कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि रतन सिंह, राजा रतन सिंह की मतलब हार हो गई और बादल जो कि था वो भी, उसकी भी हार हो गई थी। तो क्या हुआ था, चित्तौड़ पर आक्रमण हो गया था, जिसमें क्या हो गया था कि जो रानी थी, किसकी, राजा रतन सिंह की रानी थी, रानी पद्मनी, उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और ये क्यों किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि वह रानी पद्मनी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको पाने के लिए, रानी पद्मनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंशज है, 6 राजपूत वंशज है, वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, राजस्थान के राजपूत जो वंशज हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।